निवेदिता शुक्ला। 2019 के आम चुनाव में अहम माने जा रहे यूपी को जिताने के लिए सभी दलों ने जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है। बीजेपी को रोकने के लिए साथ आए अखिलेश और मायावती की वजह से अभी तक जो मुकाबला बीजेपी वर्सेस सपा बसपा था, वो अब प्रियंका गांधी के आने से त्रिकोणीय हो गया है। अभी तो प्रियंका गांधी ने पूर्वी यूपी की कांग्रेस की कमान भी नहीं संभाली है, ऐसे में बीजेपी ने पहले से ही अखिलेश मायावती के साथ ही प्रियंका को भी घेरना शुरू कर दिया है। 30 जनवरी को कानपुर और लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ जीता यूपी जीता का मंत्र देने पहुंचे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्य चुनौती माने जाने वाले अखिलेश और मायावती को जहां निशाने पर लिया, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी नहीं बख्शा। यूपी की 80 सीटें जीतने के लिए रणनीति बनाने पहुंचे शाह ने कार्यकर्ताओं को 4B vs 4B का मतलब समझाते हुए कहा, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे 4B में बढ़ता भारत बनता भारत और महागठबंधन वालों के 4B हैं बुआ भतीजा भाई और बहन। ये चले हैं गठबंधन बनाने, मैं उनको बताता हूं हमारे तो 4B है, 4B लेकर से होने वाले अक्सर है, 4B भाजपा के है, बढ़ता भारत बनता भारत। क्या 4B है जरा बोलो, बढ़ता भारत बनता भारत। फिर से बोलो क्या है, बनता भारत। और गठबंधन के 4B क्या है, बुआ भतीजा भाई और बहन। इसके आगे कुछ नहीं है, ये पूरी परिवारवाद की राजनीति अब देश में नहीं चल रही। अमित शाह ने बुआ भतीजा कहकर जहां अखिलेश और मायावती पर तंज कसा, तो वहीं भाई बहन के जरिए राहुल और प्रियंका पर वार किया। इससे पहले 28 जनवरी को अमित शाह जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे, तो वहां भी राहुल प्रियंका पर हमला बोलते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने देश के जवानों को OROP दिया, तो वहीं कांग्रेस का OROP है ओनली राहुल ओनली प्रियंका। मित्रों, मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दिया, कांग्रेस ने भी वन रैंक वन पेंशन दिया है। मैं उल्लेख नहीं करूंगा तो उनके साथ अन्याय होगा। मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दिया सेना के जवानों को, सेना के निवृत्त जवानों को, शहीद की विधवा को, और इन्होंने दिया ओनली राहुल ओनली प्रियंका वन रैंक वन पेंशन, और कोई नहीं, ओनली राहुल ओनली प्रियंका वाड्रा वन रैंक वन पेंशन। एक नई किस्म का वन रैंक वन पेंशन दिया, और ये दोनों पार्टियों के बीच का एक अंतर समझाता है। हमारा वन रैंक वन पेंशन सेना के जवानों के परिवार के कल्याण के लिए है, उनका पेंशन वन रैंक वन पेंशन वन रैंक वन पे मित्रों किसके लिए है, गांधी और वाड्रा परिवार के लिए। ये दोनों पार्टियों के बीच में जो अंतर है वो बताता है। SP BSP के साथ ही बीजेपी अचानक कांग्रेस पर भी हमलावर होने लगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस का प्रियंका कार्ड। क्योंकि इससे पहले साल 2014 के आम चुनाव और उसके बाद यूपी चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हालत थी, उसकी वजह से 2019 के यूपी मुकाबले में कांग्रेस को कहीं नहीं देखा जा रहा था। लेकिन प्रियंका के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश जरूर देखा जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रही है।